Hello and welcome to Abhimanyu's IS. I'm Shahid Ali and I'll be talking about HCS 2022 paper of gender studies. अभी हुआ था है ना, तो कल पेपर हुआ है जनरल स्टडीज़ का और आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने अच्छा किया होगा. कुछ कुछ कहा जाता है कि पेपर का जो लेवल था थोड़ा सा डिफिकल्ट था. येस इट वॉज. हाँ बट उसमें अगर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की हो तो एक चीज़ थी उसमें कि ट्रिकी था. कुछ हिंट दिए गए थे बच्चों को, अगर बच्चों को थोड़ा सी चीज़ें पता है तो आंसर निकालना इजी था अगर, बट उसको हम इजी नहीं कहेंगे क्योंकि लेवल जो पिछली बार इसका पेपर हुआ है या क्योंकि री एग्ज़ामिन हुआ है, री एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट किया गया तो क्या होगा, इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया गया और मुझे लगता है डबल से ज़्यादा था लेवल. चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चंस की, कौन कौन से क्वेश्चन, उनके क्या आंसर हैं. टेंटेटिव आंसर की हम बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे डाउट हो सकता है. येस पॉसिबिलिटीज आर देयर. यही किसी भी कमीशन की तो एज होती है, उसकी पावर है कि येस वो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो कहीं नहीं होंगे. राइट, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज और आर करेक्टली मैच्ड विद देयर ट्रिब्यूटरीज. तो कृष्णा रिवर की बात कर रहे हैं, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, मालप्रभा, गंगा, गोमती, कोसी, गंडक, यस ट्रिब्यूटरीज हैं. यमुना की केन है, बेतवा है, चंबल है, ये सबको पता होगा, शिप्रा वगैरह भी है. कावेरी की काबिनी है, भीमा, कृष्णा की है हिमावती. सो डी जो है वो नहीं होगा, है ना, डी नहीं है. तो इसका मतलब क्या है, ए बी सी होना चाहिए. तो ए बी सी पहले ही ऑप्शन में आ जाता है, बाकी किसी में ए बी सी है नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए मोस्ट प्रोबेबली होना चाहिए. उसके बाद आगे आ जाते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन रिवर्स व्हेन अरेंज बाय लेंथ फ्रॉम द लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट, सबसे बड़ी और सबसे छोटी. इसमें एक चीज़ देखिए, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, महानदी, सारी वही हैं. बट इसमें उन्होंने एक चीज़ कर दी, तपी डाल दी है. तपी आपको पता है सबसे छोटी है और इसमें देखें गोदावरी सबसे बड़ी है. तो गोदावरी यहाँ पे पहले नहीं है, यहाँ पे पहले नहीं है. अब इन दोनों में ऑप्शन जो है तो मतलब कुछ ऐसा था, आप आइडिया लगा सकते थे, है ना, ईजी. अगर नहीं भी पता तो आइडिया. अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न है. अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न दूर कैसे होगी, क्योंकि तपी महानदी से छोटी है. राइट, तो इसलिए ऑप्शन इसका क्या होगा, बी होगा. क्योंकि जनरल सभी को पता होता है कि जैसे गोदावरी है उसको वृद्ध गंगा कहा जाता है, सबसे बड़ी है साउथ इंडिया में रिवर ये, और ये सारी साउथ इंडियन की रिवर आपको नजर आ रही हैं. चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं. थर्ड क्वेश्चन क्या कहें, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 विच पेयर और पेयर्स मेंशन बिलो इज आर मैच प्रॉपरली. पेयर्स की बात करें तो मतलब आपकी नॉलेज चेक हो रही है. उषा मेहता, यस, अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन चलता था वो उनका था, वो चलाती थी. के टी भाष्यम, इंडिपेंडेंट लोकल गवर्नमेंट चीतू पांडे की थी, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, इसका मतलब ये गलत हो गया है. और चीतू पांडे लेबर इंटरेस्ट, वो तो दोनों ही गलत हो गए. अब ये आपको नहीं पता, वैसे मैं बता देता हूँ, इनके बारे में कहा जाता है कि अटैक हुआ था पुलिस स्टेशन पे, तो जो झंडा गिरा था, एक बुजुर्ग औरत थी 80 ईयर्स की, तो जिन्होंने वो झंडा संभाल के रखा था, गिरने नहीं दिया था, इसलिए उनका नाम आता है. स्पेक्ट्रम की बुक में है ये नाम, अगर आपने पढ़ा हो तो. मान लीजिए आपको नहीं पता है, ऐसे अज्यूम कर लेते ना, तो ए तो करेक्ट है, बी सी नहीं है. ए करेक्ट है, बी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, है ना, और ए करेक्ट है, अब सी भी नहीं है, तो सी भी नहीं, तो बच क्या गया, ए और डी कोई दो रहेंगे ना, बी सी तो नहीं है, आपको पता है. चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं. फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट द शाहजहां कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज. तो शाहजहां ने कुछ मॉन्यूमेंट्स बनवाए थे, उसको बहुत शौक था बिल्डिंग्स बनवाने का, ये सबसे ज्यादा उसको शौक था. मोती मस्जिद, जहांगीर मजोलम, एक्सटेंसिव यूज ऑफ कैलीग्राफी, फर्स्ट कमीशन आफ्टर बिकमिंग एम्परर. अभी अजीब अजीब सी चीज़ें शायद नहीं पता होंगी, मेजोरिटी को नहीं पता होंगी. और इसमें एक चीज़ देखिए, अब नहीं पता मुजलम पर, ये सबको पता होगा, उसकी डेथ कहाँ पे हुई थी, लाहौर में गया था वो नूरजहाँ के साथ, वहीं था, वहीं उसकी डेथ हो गई, तो उसका मुजलम जो है आपको वहीं मिलने वाला है, तो मुजलम ले जाइए लाहौर में. फिर अब बात करें, अगर मोती मस्जिद आप मान लीजिए नहीं पता आपको, आप देखिए एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ कैलीग्राफी तो कहाँ पर हो सकती है, आगरा में कैलीग्राफी की बात आप नहीं करेंगे, किसी चीज़ पर होगी ना कैलीग्राफी, किसी बिल्डिंग पर होगी. पीकॉक थ्रोन, अरे थ्रोन था उसको जिसको तख्त ताऊस बोला जाता, तो उस पर भी नहीं होगी. ताजमहल में है, अब जाके ताजमहल देखिए, आपको कैलीग्राफी कैलीग्राफी नजर आती है, ऊपर से नीचे तक कुछ ना कुछ लिखा होगा उस पर अरेबिक में, कुछ कहते हैं कि कुरान की आयत है, और भी चीज़ें हो सकती हैं. तो ये हो जाएगा ताजमहल में, और ये सबसे पहले उसने बनवाया था हमने बैठने के लिए तख्त ताऊस गद्दी बनवाई थी. ठीक है, बच का गया मोती मस्जिद यहाँ पे, तो क्या होना चाहिए इसका, अब लगा लीजिए ए फोर है ना, ए फोर कहाँ पे है, यहाँ पे ए फोर है, ए फोर तो इन दोनों में से कौन सा हो गया, बी का वन, बी वन दोनों में है, और सी
इज टू सी टू, सो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर हो जाएगा, दैट्स इट, ऐसे कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। मैच द इन्फॉर्मेशन बिलो विद द रिस्पेक्टिव सूफी सेंट, मैच द फॉलोइंग है, मैच के क्वेश्चन हैं। बहाउद्दीन जकरिया आपको पता होगा, ये याद नहीं होती, पर अब अगर चीज आप रिपीट करते हैं तो शायद आपको रिटेन रह जाए। अगर नहीं भी पता आप ये देखिए, चिश्ती, तो चिश्ती का तो अजमेर में था, तो बी थ्री कहाँ पे, बी थ्री यहाँ पे, बी थ्री यहाँ पे, बी थ्री यहाँ पे और बी थ्री यहाँ पे, तो भाई नहीं हो रहा यहाँ से। तो नसरुद्दीन चिरागी देहलवी हुआ करते थे, तो अब ये देखिए डी टू कहाँ पे, डी टू, डी टू और कहीं है, अरे डी टू तो और कहीं है ही नहीं, तो ए में है, तो अब क्या किया जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये बेस्ट हो गया, तो ए पे लगा दिए, और ढूंढने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको बता दूं, बहाउद्दीन जकरिया सुहरावर्दी के फाउंडर थे, ए फोर वैसे ही हो गया, तो ये ठीक है, आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। सिक्स क्वेश्चन है हमारे पास, सिक्स क्वेश्चन क्या है, एक फ्रेज दिया हुआ, कुछ स्टेटमेंट्स दिए बड़ी लंबी सी, कि किस सिटी की डिस्क्रिप्शन है, कौन सी हड़प्पन साइट है उसकी डिस्क्रिप्शन है। हरियाणा का पेपर है, तो मोस्ट प्रोबेबली हरियाणा की साइट होनी चाहिए। अब क्या है, इट गिव्स एविडेंस ऑफ प्लान्ड सेटलमेंट एंड मड ब्रिक स्ट्रक्चर्स इन द अर्ली हड़प्पन पीरियड, अर्ली हड़प्पा की बात कर रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। द रेंज ऑफ पॉटरी सिमिलर टू दैट ऑफ कालीबंगा, आर्टिफैक्ट्स इंक्लूडेड अनइंस्क्राइब्ड सील्स, पॉटरी विद ग्राफिटी, टेराकोटा व्हील्स, कार, ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिख दी हैं। लॉट ऑफ एनिमल बोन्स फाउंड ड्यूरिंग द एक्सकेवेशंस इंडिकेटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, दिस हॉजपॉज वाज फाउंड इन ओपन एरिया बिहाइंड द स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स, दिस सजेस्ट द पॉसिबिलिटी दैट अ गेम सिमिलर टू पिट्ठू विच इज पॉपुलर अमंग चिल्ड्रन इन इंडिया एंड पाकिस्तान गोज बैक टू हड़प्पन टाइम, तो किसकी बात कर रहे हैं, तो आप आइडिया लगा सकते हैं। वैसे तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ये, नहीं पता होगा, पर बता देता हूँ मैं, मोस्ट प्रोबेबली क्या होना चाहिए, हरियाणा की साइट होनी चाहिए, ढोलावीरे में से नहीं है, क्योंकि वो बात कर रहा है दिस इज अर्ली हड़प्पन, तो ये अर्ली हड़प्पन, आलमगीर अर्ली हड़प्पन नहीं है, ढोलावीरा हड़प्पन नहीं, ये अगर आपको पता हो तो है। क्या ये जो राखीगढ़ी बना वाली, ये प्लान नहीं थी, है ना, तो बचा क्या आपके पास, राखीगढ़ी ऑप्शन बच जाता है, पर ये ऐसी चीज़ है, अगर आपको पता है तो आप लगा पाएंगे, अदरवाइज गोलमोल है ये तो, राइट, बट है ना, तो पता है तो आप लगा पाएंगे। चलिए एनी हाउ आगे चलते हैं, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कृष्ण सॉरी किंग हर्षवर्धन आर करेक्ट, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस में बड़ा गलती हो जाती है, करेक्ट है इनकरेक्ट है, तो क्या कह रहे हैं, ही बिलोंग टू द मोखारीज ऑफ कन्नौज, लगता है ये मोखारीज ऑफ कन्नौज है, मोखारी डायनेस्टी, अरे वो थानेसर का था, पुष्यभूति, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ही वॉज डिफीटेड बाय पुलकेशिन टू, यस, साउथ की जो उसकी एक्सपीडिशन थी, साउथ में उसने मार्च करना स्टार्ट किया, पुलकेशिन टू ने उसको हराया था, तो इसलिए वो साउथ में नहीं गया। उसके बाद बाण, मयूर एंड मातंग दिवाकर, उसके राइटर थे बाण भट्ट वगैरह, यस बिल्कुल थे, और उसने खुद ये लिखी है, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागमंजरी, नागदर्शिका होगी ये, वो उसने लिखी है। तो वन ए इज रॉन्ग, तो ए जहाँ जहाँ पे वो गलत है भाई, आपके पास यही बच जाता है बस। तो मतलब अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि ए स्टेटमेंट जो है वो गलत है, आप आइडिया लगा सकते हैं, तो कुछ इस तरह का पेपर था ये अगर देखा जाए तो, बट स्टिल मैं इसको कहूँगा इट वॉज डिफिकल्ट, ईजी नहीं है ये भी, क्योंकि स्ट्रेस इतना होता है वहाँ पे, कुछ भी नहीं लग पाता, ये जो आइडिया यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ऐसे लगा लीजिए, वैसे लगा लीजिए, और यही इस एग्ज़ाम में चेक किया जाता है कि आप अपना जो टेम्पर है या अपने आप को कूल कैसे रखते हैं, ना टेम्पर लूज नहीं करना। चलिए एनी हाउ, अरेंज द फॉलोइंग टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन क्रोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम मोस्ट एंशियंट टू द रिसेंट, दिस इज डिफिकल्ट, जिसने थॉरली एनसीईआरटी पढ़ी है ना, थॉरली अच्छी नॉलेज है जिसको रिवाइज किया हुआ, उसको ये पता होगा, क्योंकि वो आइडिया इससे लगा लेगा, आइडिया कैसे। अब यहाँ पे कह रहा है रीबिल्डिंग ऑफ मदुरई मीनाक्षी टेम्पल बाय नायक्स, रीबिल्डिंग हो यानी कोई टेम्पल पुराना था, रीबिल्ड हुआ तो ये सबसे बाद में हुआ होगा, बीच में भी हो सकता है, पर रीबिल्डिंग की बात कर रहा है। विट्ठल स्वामी टेम्पल या विट्ठल टेम्पल एट हम्पी, हम्पी में जो है विजयनगर का था, और विजयनगर एम्पायर कब थी, अरे वो 15th-16th सेंचुरी की थी, तो 15th-16th सेंचुरी में बना होगा, उससे पहले तो बनने से रहा। ग्रुप ऑफ टेम्पल्स एट पड़क्कल, ये बहुत पुराने हैं, तंजौर, ये चोलास के हैं, ये करीब थे 11th सेंचुरी का, तो 10th से लेके 11th सेंचुरी, तो अगर देखा जाए यहाँ पे पहले आएगा आपका डी और फिर आएगा बी, ए लास्ट में होना चाहिए और उससे पहले सी के चांसेस हैं, तो पहले डी और बी देख लेते हैं, डी और बी कहाँ पे, डी और बी यहाँ पे है, और डी और बी कहाँ पे और कहीं नहीं, तो डी और बी सिर्फ इसी में है, इससे भी आइडिया आप लगा सकते हैं, और ए इसमें देखो लास्ट में आ रहा है, तो बी पे लगा दीजिए। ये आइडिया लगा लगा के आप कर सकते हैं, जिसको कहते हैं ना
इंटेलिजेंट गैस वर्क, बस उससे क्वेश्चन हो रहे हैं सॉल्व, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अदरवाइज आप कहें डायरेक्ट क्वेश्चन एक भी नहीं था, इट वॉज डिफिकल्ट, यस आई अग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। ओके स्टेटमेंट है, दो दी हुई है, पूछा क्या क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है। चलिए दो स्टेटमेंट है, क्या कह रहे हैं, चंद्रयान 2 वॉज लॉन्च्ड ऑन दिस ओके फ्रॉम श्रीहरिकोटा बाय अ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3। द स्पेस क्राफ्ट कंसिस्टेड ऑफ एन ऑर्बिटर लैंडर एंड रोवर, यस अरे वो विक्रम विक्रम थे ना, उस पर रोवर वगैरह चलो थे, तो ये ठीक है। कन्फ्यूजन कहाँ थी इसमें, GSLV के PSLV साइट पे चेक किया गया, यस इट इज़ GSLV, क्योंकि जो पहले लॉन्च किया गया था वो PSLV रॉकेट से किया गया था, वो मून के लिए करते हैं वैसे, तो ये GSLV है। और ऑर्बिटर जो है वो मून को सर्कल कितना 100 किलोमीटर की हाइट पे करेगा, कि मून है तो उसको ऐसे ऑर्बिट करेगा 100 किलोमीटर, तो इसका मतलब क्या है कि यस दिस इज करेक्ट। तो सेकेंड इज करेक्ट एंड फर्स्ट इज करेक्ट, तो बोथ द स्टेटमेंट कहाँ पे करेक्ट है, आर करेक्ट, तो ए मस्ट बी द राइट आंसर, तो ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिजर्वेटिव, डोल्सिन दिस इज अ स्वीटनर, सोडियम बेंजोनेट, पोटाशियम मेटा बाइसल्फेट एंड सॉर्बिक एसिड्स। अब ये मुश्किल है, बट डोल्सिन जो है स्वीटनर होता है, किसी को पता ठीक है नहीं तो मैं कहूँगा ये मुश्किल है, डिफिकल्ट लेवल है, क्योंकि जन ये चीज़ें नहीं पता होती हैं हमें। हाँ जिसने इफेक्ट पढ़ा होगा उसको आता होगा, अदरवाइज नहीं आता होगा किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, अब वही असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट नहीं है। असर्शन क्या है, बायोगैस कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन विच कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर सेवरल पर्पसेस, एज इट रिलीजेस नो स्मोक और रेजिड्यू, इट शुड बी कंसीडर्ड एज अ गुड सेफ सोर्स ऑफ एनर्जी। यस बिल्कुल ठीक बात है, इसमें गलत क्या, मीथेन तो होती है वो CH3CH4, वही होता है कि मीथेन है। चलिए तो ये दिस इज करेक्ट, बायोगैस ऑल्सो कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड द हायर कंटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूट्स टू लोअर एनर्जी ऑफ बायोगैस इन कंपेरिजन टू नेचुरल गैस। ये बहुत कन्फ्यूजन होगी बच्चों को, बट कहा गया दिस इज करेक्ट ग्रेट एक्सटेंट, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, नो दिस इज नॉट द एक्सप्लेनेशन, सो स्टेटमेंट ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो बी पे लगा दीजिए, वो इसका सही आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके बिफोर द इंसेप्शन ऑफ द 5-year प्लान इन इंडिया विच ऑफ दीज वर इन एग्जिस्टेंस, कौन कौन से प्लान पहले चल रहे थे, करेक्ट आंसर आपको लगाना है। भारत प्लान था, हमने नहीं सुना होता, फार्मर प्लान हमने नहीं सुना था, सर्वोदय प्लान हमने सुना था, बॉम्बे प्लान सुना होता है, सर्वोदय 50s में था इनिशियली और बॉम्बे प्लान 44 में था जहां तक मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, तो 2 and 4 इज द राइट आंसर, बस इस पे लगा दीजिए। ये फैक्ट है, जिसको पता था उसको पता था, ये ऐसा नहीं कि वहां पे सुन लिया रिवाइज, कुछ नहीं है, फैक्ट है बस ये, जिसको पता है तो ठीक है। ऑल राइट 13 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या गया, विच आर ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट यूज एट योर होम, माइक्रोवेव अवन एंड टेलीविजन यूज डीसी करंट, नहीं सीधे प्लग में लगा देते हैं जो कि ऑल्टरनेट करंट होता है, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई है यहाँ पे। रेफ्रिजरेटर्स एंड वॉशिंग मशीन यूज एसी करंट, बिल्कुल ठीक है। एयर कूलर एंड कंडीशनर यूज एसी करंट, बिल्कुल ठीक है, तो 1 रॉन्ग है, 2 और 3 सही है, बाकी आगे चलते हैं 4 और 5 की बात कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस यूज 220 एम्पियर करंट, ऑल राइट। आगे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट पासिंग थ्रू डायरेक्ट थ्रू डिफरेंट डिवाइसेस सेम, तो 5 तो रॉन्ग है। अब देखते हैं 1 और 5 रॉन्ग कहाँ कहाँ पे है, 1 है तो ये तो नहीं होगा, 1 और यहाँ 5 है तो ये भी नहीं होगा, बच क्या गया। अब यहाँ पे ये है कि कोई 2 ठीक है, इसका मतलब 3 नहीं है, तो इस पे जो डाउट था वो आपका डाउट नहीं रहेगा, 2 और 3 पे लगा दीजिए बस चुप करके, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं, आपको पता है, सिंपल ऐसे। तो ये क्या हम कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, सारे क्वेश्चन या सारी स्टेटमेंट हमें नहीं आती होंगी, याद रखिएगा ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टेटमेंट है ये, इमर्जेस फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट, है ना, तो ऐसा ही है, यस कुछ ऐसा ही होता है। द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी द
डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ अ कंपास नीडल मूव्स, यस बिल्कुल ठीक है। एंड देर इज नो फील्ड इनसाइड अ बार मैग्नेट, नहीं बिल्कुल नहीं होता है जी। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस द फील्ड लाइन्स, यस जितनी वो क्लोज होंगी इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है उसका। तो कितनी स्टेटमेंट सही है, ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो ए पे लगा दीजिएगा इसका सही होगा, राइट ओके यस। हम सीरीज ए डिस्कस कर रहे हैं, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, दिस इज 15th क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट है तीन, देखनी है कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यस बिल्कुल ठीक है ये तो। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी ठीक है। बोथ इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल, नो प्रिंसिपल सेम नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही बात की दोनों अलग अलग हैं, प्रिंसिपल सेम है, एक इंडक्शन पे काम करता है दूसरा नहीं करता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, तो ये नहीं होना चाहिए। फर्स्ट एंड सेकेंड जो है वो होना चाहिए। तो स्टेटमेंट वन और टू सी इसका मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर है सी होना चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिस इज राइबोफ्लेविन, अ विटामिन दैट फंक्शन बोथ एज अ हार्मोन एंड विजुअल पिगमेंट। अब राइबोफ्लेविन फॉलिक एसिड नहीं है, रेटिनल होता है जी, ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो देख लीजिए। तो डी होना चाहिए इसका मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, 17th क्वेश्चन है, द टोटल परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन आर ह्यूमन बॉडी, कितना होता है कार्बन। फैक्ट है मेजॉरिटी को नहीं पता होगा, और मैं इसको कहूँगा मुश्किल है, अगर जो लूसेंट पढ़ी होती है किसी ने उसको वहाँ पे शायद पढ़ा होगा, उसने नहीं पढ़ी है क्योंकि पीपीएससी की या एचपीएससी की जो तैयारी करते हैं बच्चे, पीसीएस की तैयारी करते हैं, वो जनरल लूसेंट नहीं पढ़ते, और पढ़ने वाली किताबें वो है भी नहीं, है ना। हाँ फैक्ट के लिए आप सोच सकते हैं कि यार पढ़ लो, क्योंकि एसएससी वाले बच्चे पढ़ते हैं, बट स्टिल इसका जो आंसर क्या 18% के करीब होता है ये है, तो फैक्ट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द एयर विल लीव द लंग्स व्हेन द प्रेशर इनसाइड द लंग्स मस्ट बिकम, बाहर कब निकलेगी, मुझे क्या लगता है हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर अंदर का प्रेशर ज़्यादा तभी वो बाहर निकलेगी, तो इसका सी आंसर होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द कोड्स गिवन बिलो अबाउट ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन से, मीथेन है, यस है, नाइट्रोजन है, नो, नाइट्रस ऑक्साइड है, अब बच गया वाटर वेपर, ये तो गैस नहीं है, बट जब हम डिस्कशन करते हैं किसी भी चीज़ की, तो जिससे सूट है जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसको भी लिया जाता है, इसको भी लिया जाता है, तो यहाँ पे डाउट हो सकता है, बट स्टिल जो बेस्ट आंसर होना चाहिए 1, 3 और 4 होना चाहिए, तो ए इसका सही आंसर होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, दिस इज ओके 16, 17, 18, 19 क्वेश्चन, ओके ओके व्हाट इज द क्वेश्चन, द पद्म अवार्ड्स आर गिवन इन द फील्ड ऑफ दिस इज मैच द फॉलोइंग, करना है किसके साथ, जो अवार्डीज है उनको किस फील्ड में मिला है। प्रभा आत्रे को किस में मिला है जी, प्रभा आत्रे को कहता है आर्ट में मिला है, 5 होना चाहिए। एंड राधे श्याम खेमका को किस मिला है, इसका जो मिला है लिटरेचर जर्नलिस्ट है कहा जाता है, और एजुकेशन में तो B का 4 आ जाएगा, A का 5 है, तो 5-4 जो है ए में ही है, तो ए लगा दीजिए, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये भी मैच द फॉलोइंग है, इसमें क्या कह रहे हैं, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है, जैसे धोंदो केशव कारवे, डी के कारवे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया था, अगर आपने वो मूवमेंट्स पढ़े हो ना सोशल रिलीजियस मूवमेंट जो थे उसमें, तो इसका जो है वो 4 आ जाएगा, तो 4 पे जाएगा। ए का 4 कितने पे है, ए का 4 सिर्फ एक में, बाकी नहीं पता तो भी चल जाएगा। मातंगिनी हाजरा मैंने पहले बताया, शी वॉज कॉल्ड ओल्ड गांधी, तो सी का 2, तो फिर बी जो है वो सही इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द तांत्या टोपे अ सिग्निफिकेंट फेस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। फ्रीडम स्ट्रगल लिखा है उन्होंने, इसका मतलब मानने लगे एचपीएससी वाले कि दिस वॉज अ फ्रीडम स्ट्रगल, अब याद रखेगा मीन्स में अगर क्वेश्चन आता है तो ये फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर कर रहे हैं। एनी हाउ His real name was रामचंद्र पांडुरंग राव, yes, क्योंकि नाना साहब जो थे उनका नाम क्या था, नोंदू पंत। इन बिठूर ही केम इन कॉन्टेक्ट विद नाना साहब, बिल्कुल इनके साथ रहे हैं,
एंड मोरोपन तांबे, यस ठीक है, तो दोनों ये भी ठीक हैं। ही बिलोंग टू येला इन महाराष्ट्र, यस वहाँ से थे। लेड रिबन इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश राजस्थान में तो नहीं थे, तो वन और टू और थ्री, फोर नहीं होना चाहिए, तो फोर फोर फोर, तो ऐसे आईडी लगा लीजिए, जहाँ फोर है वो एलिमिनेट कर दीजिए। तो ये तो देखना पड़ा, तो इसका मतलब ये था, ये एग्ज़ाम जो था, ये पेपर जो था टाइम कंज्यूमिंग था, तो पेपर कंप्लीट करना अपने आप में चैलेंज हो जाता है। 100 क्वेश्चंस थे और हर क्वेश्चन में देखिए स्टेटमेंट्स आ रही हैं, 3-4 स्टेटमेंट्स हर क्वेश्चन में हैं, मैच द फॉलोइंग थे, इसका मतलब क्या है, पेपर का लेवल जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, टफ हो गया, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट हो जाता है आपके पास, आपकी रेस है टाइम के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विद अ व्यू टू पोजिशन इंडिया एज अ ग्लोबल लीड इन द टेक्निकल टेक्सटाइल, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर द क्रिएशन विद अ 4-year इम्प्लीमेंटेशन पीरियड फ्रॉम 20 to 24 बाय द मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए, उनको कंसिडर कीजिए और बतानी आपको करेक्ट स्टेटमेंट। ऑल राइट, सो द टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स आर डिवाइडेड इंटू 12 या 16 हैं, उतने तो नहीं हैं, है ना, तो 12 हैं जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तो 12 में कैटेगराइज किया गया डिपेंडिंग अपॉन देयर एप्लीकेशन। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है, अब जहाँ जहाँ एक है उसको गलत कर दीजिए, एक गलत है, एक गलत है, एक गलत है, बाकी देखने की जरूरत बच जाती है, आपके पास एक ही ऑप्शन है, इसको लगा दीजिए, पढ़ना पढ़ लीजिए, पढ़ लेते हैं। पेनिट्रेशन लेवल टेक्निकल टेक्सटाइल इंडिया इज 5-10% अगेंस्ट 30-70% इन एडवांस कंट्रीज। प्रमोशन ऑफ द इनोवेशन अमंगस्ट यंग इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी साइंस स्टैंडर्ड एंड ग्रेजुएट विल बी टेकन अप बाय द मिशन, ठीक है, ये दोनों ठीक हैं। एंड द नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन विल बी इम्प्लीमेंट थ्रू अ 3-tier इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, तीनों ठीक हैं, तो फर्स्ट इज रॉन्ग। तो वैसे ही हमें आंसर पता है, अब तो पता है, नहीं पता आपको, पहला पता था उससे आपका आइडिया लग जाएगा। तो उन्होंने कोशिश की है कि आप अगर थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ के बैठे हैं तो आप इसको पेपर को ईजिली उतना कर लेंगे कि क्वालिफाई हो सके, कट ऑफ तक ले जा सकते हैं आप इसको। चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन क्या है। लीडर हु सर्व्ड मोर देन वन एज द प्रेजिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, मैं इसको कहूँगा इट वॉज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं, पढ़ लेते हैं कौन सा प्रेजिडेंट कब रहा है, पर अक्सर इतने सारे नाम हो तो कन्फ्यूजन हो जाती है, एक से ज़्यादा बार कौन रहा, सबसे ज़्यादा बार कौन रहा, तो ये कन्फ्यूजन हो सकती है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बने हैं, बिल्कुल डब्ल्यू सी बनर्जी बने हैं, दादा भाई नौरोजी बने हैं, सयानी नहीं बने हैं एक से ज़्यादा बार, बेटर बन बने हैं, तो बी डी जहाँ पे निकाल दीजिए, डी यहाँ पे है और ऑल ऑफ द अबव तो डी यहाँ पे भी है, तो यह भी गलत हो गया, तो बच गया आपके पास बी बच जाता है, क्योंकि अगर आप कहें कि और वेडन बन नहीं था, वो नहीं था, तो इन्होंने 3-4 तो कम से कम उठाए ही हैं, है ना, मिनिमम 3 हैं और बाकी तो सारे दिए, तो इसलिए आपके पास ऑप्शन नहीं बचता, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं कि महाराज रणजीत सिंह केम फ्रॉम करोड़ सिंघिया मिसल, नहीं जी, उनकी शुक्र चकिया मिसल थी, पंजाब की किसी ने पढ़ी होगी थोड़ी सी, या मॉडर्न इंडिया में जब पढ़ते हैं ब्रिटिश ने इंडिया को कैसे कॉन्कर किया, तो वहाँ पे थोड़ा सा आता है रिगार्डिंग द अबाउट द रणजीत सिंह। सो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई है। दूसरी, जीन फ्रैंकोइस अलार्ड एंड जीन बैप्टिस्ट वेंचूर अवर टू फ्रेंच थे, तो नेपोलियन जनरल थे, कहा जाता है नेपोलियन की तरफ से आए थे, तो सेकेंड इज करेक्ट, तो ओनली बी आ जाएगा इसका आंसर जी, और तो कुछ नहीं आने वाला। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है, इसको मैं कहूँगा वेरी डिफिकल्ट, और ये 99% बच्चों को नहीं आता होगा और आना भी नहीं चाहिए, ऐसे छोड़ देने चाहिए क्वेश्चन, बट सर्च किया बड़ा बड़ी मुश्किल से, कुछ कुछ हम इस पर कोशिश की ढूंढने की, और जो मिला वो ये है कि यहाँ पे अगर बात करें सो अलवर संत हैं, मतलब कराईकल अम्मा यार, गोडा देवी, अक्का महादेवी एंड दिस, इसे ये नहीं यार, ये तीनों तो हैं इसे, तो यहाँ पे बी सी डी इज द राइट वन जो इसमें आ रहा है ना, तो ऐसे कह सकते हैं, तो डी टेंटेटिव इसका आंसर होना चाहिए सही, क्योंकि दिस वॉज डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये जनरली बच्चों को छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं आता होगा, हाँ तुक्का मारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द कॉटन प्लांटेशन इन इंडिया, कॉटन प्लांटेशन, ऑल राइट, अमेरिकन सिविल वॉर ऑफ 1861 इम्पैक्ट कॉटन प्रोडक्शन इन इंडिया, हाँ बिल्कुल हुआ था, उसी की वजह से यहाँ पे डेकन राइट्स हुए थे जो कॉटन की वजह से हुए थे। कॉटन प्रोडक्शन बूम्ड इन द डेकन कंट्री साइड, यस, बाय 1862 90% ऑफ द कॉटन इम्पोर्ट्स टू ब्रिटेन केम फ्रॉम इंडिया, बिल्कुल ऐसा हुआ करता था, यहाँ से बहुत जाया करता था, उसके लिए तो हम फेमस थे, टेक्सटाइल ही तो लेने आते थे ब्रिटिशर्स, तो बाद में उनको लगा कि कैप्चर कर लो इंडिया को। एक्सपेंशन कॉटन प्रोडक्शन मेड रजत रिचर देन द साहूकर, ये तो हो ही नहीं सकता ना कि किसान मनी लेंडर से गरीब हो जाए, ऐसा तो नहीं हुआ, हुआ क्या था, उल्टा था यहाँ पे,
तो जो किसान थे उन्होंने अटैक किया था मनी लेंडर पे, रैयत ने अटैक किया था, तो स्टेटमेंट गलत है। द डेकन राइट ऑफ 1875 वाज द रिएक्शन ऑफ साहूकार्स अगेंस्ट द, नहीं ये फिर ये भी गलत होगी ना, दोनों गलत हैं। तो डी और ई जहाँ पे है वो गलत है, तो डी और ई जहाँ पे है वो गलत है, बच के आपके पास ए बी सी। तो मतलब अब क्वेश्चन पे देखिए किस लेवल के क्वेश्चन हैं, तो इसको इजी तो नहीं कहा जाएगा। आपको नॉलेज है पहली बात, फिर आप ऑप्शंस देख रहे हैं तो आप संतुष्ट हो रहे हैं, सेटिस्फाइड है कि यस मेरा आंसर ठीक होना चाहिए। एग्जैक्ट आपको नहीं पता पर आप कोशिश करेंगे कि यस मोस्ट लाइकली यही होगा इसका आंसर, वही हम कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 28th क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन करने भाई अभी तो। ऑल राइट, सांची कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, ऐहोल इंस्क्रिप्शन है, अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है और बारा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है। जो अलाहाबाद है ये सभी को पता होता है कि ये समुद्रगुप्त की होगी। ऐहोल इंस्क्रिप्शन ये होगी पुलकेशन टू की है ये, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। तो अगर हम देखें सी का 4 है ना, और बी का क्या है जी, बी का 1 है। सी का फोर कहाँ, सी का 4 तो यही है, फिर जरूरत ही नहीं छोड़िए, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, कितना आसान है। सी का 4 अगर आपको ये पता है कि ये इसकी है, बाकी आप कर देंगे, उसने ऑप्शन ही नहीं दिया, कहीं है नहीं है, तो C4 से जोड़ दीजिए और ये ठीक है, बी वन से बिल्कुल ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। बाकी आपको नहीं पता, नहीं पता क्या जरूरत है पता करने की। तो HPSC आपसे चाहती है कि आप ऑब्जर्व करते हैं ढंग से चीज़ों को, सारा नहीं पता और जो कहेगा कि ये रट्टे मार के आओ, फिर वो क्या कहेगा, वो यही कहेगा पेपर बहुत मुश्किल था, पॉसिबल ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैच द फॉलोइंग है, 10 वाला सिस्टम किसका है, अकबर ने करवाया था, टोडरमल ने बनाया था, ठीक है, बेगाय दफ्तरी ठीक है, और बिस्वा और गज। गज आपको याद होगा, गज़े सिकंदरी आप सुनते हैं, तो गज़ को इसके साथ जोड़ दीजिए, और जो बिस्वा थे अलाउद्दीन के टाइम में हुआ था, बच क्या गया, दफ्तरी, दफ्तरी जा का होगा मोस्ट प्रोबेबली। अब ए का 2 कहाँ कहाँ पे है, ए का 2 यहाँ पे है, ए का 2 यहाँ पे है, और हमने क्या कहा सी का क्या है 1 है, तो सी का 1 सिर्फ यहीं पे और कहीं नहीं है। अगर कुछ नहीं इतना पता है या आपको ये पता है तो आप आइडिया लगा सकते हैं, और क्योंकि डी का तो वैसे ही 4 दिया हुआ है राइट, तो आंसर क्या है, सी इसका आंसर होना चाहिए, बेस्ट जो है टेंटेटिव आंसर वही है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, करंट अफेयर का है क्वेश्चन। तो इंडिया प्रेजेंटेड द फॉलोइंग नेक्टर एलिमेंट ऑफ द इंडियाज क्लाइमेट चेंज एट COP26 इन ग्लासगो। आपको पता है मोदी जी गए थे वहाँ पे, कमिटमेंट करके आए हम कि इंडिया रीच 1000 GW नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बाई 2030, 500 नॉट 1000, तो ये स्टेटमेंट गलत है हमारी। 50% एनर्जी इज बाय 2030, यस बिल्कुल है कि 50% हम 2030 तक कर लेंगे। रिडक्शन द टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन बाय 1 बिलियन या 2030, यस हम ये भी कहा है, एंड 45 बाय 2030, यस ये भी कहा है। अचीविंग द टारगेट ऑफ द नेट जीरो मिशन बाय 2090 या 2070 तक कहा है जहाँ तक मुझे याद है। तो फिफ्थ और फर्स्ट, तो जहाँ पे फर्स्ट है उसको हटा दीजिए और जहाँ फिफ्थ है उसको भी हटा दीजिए, बचते कि आपके पास ये बच जाता है, बाकी आपको पता है नहीं पता है, आपको दो तो स्टेटमेंट पता थे ना गलत हैं, बाकी नहीं पता आपको, तो आंसर ये हो गया। लॉजिक लग रहा है, लॉजिक लग रहा है, क्योंकि उतना हम नहीं पढ़ सकते थॉरो, रीजन इतना सिलेबस होता है, पढ़ेंगे तो रिटेन नहीं रहता, तो ये तरीका लगाना है आपको। मैं सिर्फ ये बात करूँ कि कैसे आप अटेम्प्ट करें है ना, और क्या टेंटेटिव आंसर होने चाहिए इसकी राइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम इज अ प्रोग्राम इक्विपिंग टेक्निकली क्वालिफाइड यूथ विद प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल रिक्वायर्ड इन देयर फील्ड ऑफ वर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द स्कीम, इट्स अ 6 month प्रोग्राम, साल का है जी ये, ठीक है तो ये गलत हो गई। द अप्रेंटिस आर इम्पार्टेड ट्रेनिंग बाय द ऑर्गेनाइजेशन एट द प्लेस ऑफ वर्क, ये ठीक है क्योंकि गलत तो कोई पॉसिबल नहीं, अगर आपने तीनों गलत है तो ऑप्शन नहीं है आपके पास। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप द अप्रेंटिस आर नॉट पेड एनी स्टाइपेंड, ऐसा तो नहीं है फ्री में तो काम नहीं कराएंगे ना आप, तो बचा के ओनली 2, तो इसका जो आंसर है वो मोस्ट प्रोबेबली बी होना चाहिए राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके क्वेश्चन क्या है अपने पास,
We have 34th question. There is, I believe, okay. Yeah, chaliye. 33 question. 33 saying yes. So GDP at market price is the market value of all the goods and services produced within the geographical boundary of a country. GDP सारा कुछ पता है तो बस market value MP है तो बिल्कुल ठीक है ये. And if the GDP of a country is rising, the welfare may not rise as a consequence. Not rise a consequence है ना, इसमें गलत क्या है? May not, इसको देख लेते हैं. And the ratio of nominal GDP to real GDP is GDP deflator. ये सही है. Ratio of real GDP to nominal GDP is called GDP deflator. अब इन दोनों में से एक है पर ये सही है. 3 तो 4 wrong हो जाएगा. तो 1 is correct, 3 is correct and 4th is wrong. तो where there is 4 4 4, ये गलत है. तो 2 अपने आप ही ठीक हो जाना चाहिए, right? तो ए इसका सही आंसर होना चाहिए. That's it. All right. So next question की ओर आगे बढ़ते हैं. Next question क्या है? Which the following is incorrect regarding the Deaf Olympics 2022? It was held in the Mexico City, so Brazil में हुआ था. All right. It was held from 1st April to 15th April. This is wrong. April में नहीं हुआ है जी. सुमित दहिया हरियाणा से थे. यस, उन्होंने जीता है. यहाँ पे इंडियन एथलेटिक बोर्ड ने टोटल 16 मेडल जीते हैं. करंट अफेयर्स का मुश्किल है, जैसे क्वेश्चन डाला हुआ 16 मेडल जीते, इतना नहीं याद रखते जनरली, पर थोड़ा पढ़ा तो फिर शायद आपको पता होगा. तो पूछा क्या इसने? इनकरेक्ट पूछा है, सही नहीं पूछा है. इनकरेक्ट सिर्फ यही है कि ओनली 2 इज इनकरेक्ट. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं. क्वेश्चन 35th, इट्स सेइंग व्हिच ऑफ द एक भारत श्रेष्ठ भारत एंगेजमेंट मैट्रिक्स. एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो इसमें क्या किया गया कि जो स्टेट्स हैं दूर के उनको मैच करने की कोशिश की गई है ताकि सपोर्ट हो सके. उसमें इनकरेक्ट पूछा गया, करेक्ट पेयर कौन सा नहीं है. गुजरात छत्तीसगढ़ के साथ है, महाराष्ट्र उड़ीसा के साथ है, गोवा उत्तराखंड के साथ है, तो ये गलत हो गया है. और चंडीगढ़ इसके साथ है क्योंकि इसने पूछा भी एक ही गलत है. तो ऑब्वियस है 3, सी इज द आंसर. तो मोस्ट टेंटेटिव, मोस्ट प्रोबेबल जो इसका आंसर है वो सी होना चाहिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं. अब ये चीज़ें जनरली याद नहीं होती हैं. राम सर, साइट सर कहाँ पे, लोकेशन पूछी उन्होंने कहाँ पे होनी चाहिए. नवाबगंज है, रुद्र सागर है, सोकर लेक एंड सस्थामोकोटा एंड भिंडावास. अब जो सो सो है ना, बाकी आपको ना पता हो, अगर एक सो तो ये लद्दाख में होना चाहिए. सो 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 टी एस ओ सो से, ऐसे तिब्बतन वर्ड ये वहीं से आया है उठ के. और एक होता ना सत मोक्ष, सत है ये सस्थ मोक्ष, जो टी एच लगाते हैं ना साउथ वाले लगाते हैं, तो केरला में होना चाहिए. तो कुछ ऐसे लगा दें, इसको 5 लगा दें और डी को 3 लगा दें. सी का 5 और डी का 3, तो बस यहाँ पे है, बाकी आपको पता नहीं है. और नवाबगंज वैसे आपको बता दूँ यूपी में होना चाहिए, A4. तो बस ए जो है वो बेस्ट है. तो थोड़ा आइडिया आप लगाएंगे तो ये लग जाएगा. मैच द फॉलोइंग आसान होता है रिलेटिवली, जहाँ पेयर बनाने थे वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. Which of the following statement is correct about भारतमाला परियोजना? भारतमाला क्या कहती है? Replacement of the level crossing on national highways by road over bridges, road under bridges. आज आप देखते होंगे ये national highway development project का एक phase है जिसमें ये बनाए जा रहे हैं. तो ये ठीक है. क्या कर रहे हैं? Road connectivity border areas, बिल्कुल कर रहे हैं. Development of coastal road including road connectivity for non-major ports. नहीं, पोर्ट्स पोर्ट के साथ नहीं कर रहे हैं इसमें हम. एम्स एट इम्प्रूविंग द इफिशियंसी ऑफ नेशनल कॉरिडोर, बिल्कुल कर रहे हैं. तो 3 जो है वो गलत है इसमें. तो 3 जो है जहाँ जहाँ है वो गलत है. आपके पास ये बच गया, 1 to 4 होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली. वैसे भी इन्होंने कहा कि इसमें से एक स्टेटमेंट गलत है मोस्ट प्रोबेबली, या तो सारी सही है या सिर्फ एक गलत, 2 गलत नहीं है यहाँ पे, तब ऐसे करेंगे. चलिए अब ये क्या कहें, मैच द फॉलोइंग है. अब यहाँ देख लेते, सरदार सरोवर सभी को पता है नर्मदा पे है, और कुछ, हीराकुंड सभी को पता है लॉन्गेस्ट डैम है, तो महानदी में. बाकी कुछ पता आपको नहीं है तो कोई चक्कर नहीं चलेगा. वैसे गांधी सागर चंबल पे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इजी, ये इजी लेवल का है, इसको बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं, सबसे आसान है ये. तो एक डी है और 3 का ए है, ए डी है और 3 का है, तो यहाँ पे मैच करता है. तो डी इसका आंसर लगा दीजिए आप. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए. Which of the following statement is are correct about प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना? आपको पता होगा, न्यूज़ में थी.
और ये आसान होना चाहिए। इट वॉज लॉन्च टू अचीव कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इरीगेशन। एक्चुअली तीन चार जो स्कीमें वो मर्ज कर दी गई, तो कन्वर्जेंस कर दिया गया, तो उस तरह से आप इसको ठीक कह सकते हैं। एक्सपेंड कल्टिवेबल एरिया बिल्कुल उसी लिए तो है। इम्प्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी बिल्कुल करनी है वही। सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस ला रहे हैं बिल्कुल करने, तो इसमें सारा होना चाहिए। तो डी इसका टेंटेटिव जो आंसर है वो डी होना चाहिए, है ना, डी करेक्ट मानेंगे इसमें। उस पर आ जाइए, दिस इज समथिंग वेरी इजी। जैसे मेघालय है, दिस इज अ बोर्ड ऑफ मेघ आल्या, है ना। टू का ए, अब टू का ए कहाँ पे है, सिर्फ इसमें है टू का ए, और तो कहीं है ही नहीं, तो बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आपको पता है जो फोर है वो सी है, केरला इज अ गॉड्स ओन कंट्री, इसके बारे में कुछ ऐसे ही कहा जाता है ना। उत्तराखंड को लैंड ऑफ गॉड कुछ कहते हैं लोग, ऐसे कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया ए है इसका आंसर। ओके, यहाँ पे क्या दे रहा है, वो स्टेटमेंट्स हैं कुछ। द पैटर्न ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लेनेटरी विंड इज कॉल्ड जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, बिल्कुल ठीक है। द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर सेट्स इन मोशन द ओशन वाटर सर्कुलेशन विच इन्फ्लुएंस द अर्थ क्लाइमेट, बिल्कुल ठीक है। अब ये इसका स्टेटमेंट है बोला, तो कौन सी स्टेटमेंट सही है। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, स्टेटमेंट टू प्रोवाइड्स एक्सप्लेनेशन टू स्टेटमेंट वन, नहीं ऐसा तो नहीं है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू बट डज नॉट प्रोवाइड, तो इसका आंसर जो होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली डी होना चाहिए जी। ऑल राइट, ठीक है, तो डी मोस्ट प्रोबेबली डी होना चाहिए। द पैटर्न ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लैनेट विंड, दोबारा देख लेते। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ लिटिल बिट ट्रिकी, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या, द इंडियन प्लेट इंक्लूड्स पेनिनसुलर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट प्लेट। यस, इंडिया ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, तो ये ठीक है। द सबडक्शन जोन अलोंग द हिमालय फॉर्म द सदर्न प्लेट बाउंड्री, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है मुझे। इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंटल, वो नॉर्थ बाउंड्री होनी चाहिए मुझे लगता है, यहाँ पे शायद उसने ट्रिक खेली है। ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट गलत होनी चाहिए। बाकी इट एक्सटेंड थ्रू राकेनियोमा माउंटेन ऑफ मयामा टुवर्ड द आईलैंड आर्कियस, उधर भी है, और वेस्टर्न मार्ज और किर्था रेंज, ये दोनों सही होनी चाहिए। तो वन थ्री और फोर, वन थ्री और फोर, तो सी जो है टेंटेटिव इसका आंसर ये होना चाहिए। बाकी देखते हैं, हो सकता है कभी चारों लगा दे, पर चारों का ऑप्शन इसमें नहीं आ रहा है ना, ऐसे भी तो है, चारों का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मेरे हिसाब से वही होना चाहिए। चलिए उसके बाद, इवेपोरेशन इज सरफेस फिनोमेना विच मीन्स पार्टिकल्स फ्रॉम सरफेस चेंजेस इनटू द वेपर स्टेट। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, बिल्कुल ठीक है जी, और ये ऐसे ही होता है, तो इसको कहा जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना विच मीन्स पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंजेस, कुछ ऐसा कहते हैं, बिल्कुल है, वो बल्क है और ये सरफेस है, बिल्कुल ठीक है। डिपोजिशन इज चेंज ऑफ गैसेस स्टेट डायरेक्टली इनटू सॉलिड, यस, एक सब्लिमेशन होता है, एक डिपोजिशन होता है, बिल्कुल ठीक है। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर ओनली, नो, प्रेशर से भी हो जाती है, प्रेशर चेंज करिए जो गैसेज हैं वो लिक्विड स्टेट में आ जाती हैं। तो फोर्थ रॉन्ग है, जहाँ जहाँ फोर्थ है वो हटा दीजिए, तो एक ही बच जाता है आपके पास, ये बच जाता है बस, अगर आपको बाकी नहीं भी पता है तो चलेगा, है ना। पर जब एग्जाम में बैठ के ऐसा नहीं पता लग रहा होता है, वहाँ बहुत कन्फ्यूजन होती है, यहाँ तो बहुत आसान है जब डिस्कशन करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिस्ट हैं दोनों और यहाँ पे आपको मैच करना है। ऑल राइट, अब बाकी कुछ नहीं पता आप, ये देखिए, कैम्फर फ्रॉम सॉलिड, कैम्फर फ्रॉम सॉलिड सोडियम क्लोराइड, कैम्फर बन रहा है सोडियम से, तो ये सब्लिमेशन कहते हैं इसको, तो सीधा गैस में कन्वर्ट हो गया। बटर फ्रॉम क्रीम, ये आपने सुना होगा, तो सेंट्रीफ्यूगल होता है ये। अब ये मिला लीजिए, फर्स्ट का फोर है और फोर का थ्री है, फर्स्ट का फोर है और फोर का थ्री है, तो फोर का थ्री, तो सी इसका आंसर होना चाहिए। और वैसे बता दूं, पिगमेंट्स के लिए जो होता है वो क्रोमेटोग्राफी यूज होता है, एसीटोन को वाटर से करना अलग, तो वो डिस्टिलेशन प्रोसेस कहा जाता है उसको जी। और राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लीगल इश्यूज हैं जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट से क्या ली गई थी एडवाइज, ज्यूरिसडिक्शन ली गई थी अंडर आर्टिकल 143 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्या कह रहा है, दिल्ली के लॉज हैं, केशव सिंह है,
स्पेशल रेफरेंस हैं 2001। अब ये क्वेश्चन किसी को नहीं आता होगा, जो मर्जी कह लेगी मुझे पता है, अरे नहीं ये शायद न्यूज़ में कहीं चल रहा हो तो किसी को पता होगा। इट वॉज समथिंग जिसको आपको छोड़ना था, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को। दिल्ली लॉ 51 के, तो दिल्ली लॉ 51 के क्या होगा, गुजरात से तो नहीं होगा कहीं भी ये लिंक, है ना, तो क्या होना चाहिए। और 51 में दिल्ली लॉ जो था ऑब्वियस है, वो लेजिस्लेशन तो उसकी थी नहीं, तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होना चाहिए, वो तो ए का 3 होना चाहिए। ए का 3 दो जगह पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। उसके अलावा जो है केशव सिंह जो है मोस्ट प्रिवलेज गुजरात का नहीं है, लेजिस्लेटिव प्रिवलेजेस की बात हो रही है केशव सिंह की, तो बी का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो ए पे लगा दीजिए। टेंटेटिव आंसर ये होना चाहिए इसका। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या है। विच द फॉलोइंग ड्यूटी आर इंक्लूड इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो सभी को पता है कौन कौन सी होती हैं, दिल्ली और पुडुचेरी तो ये तो नहीं होती, बात खत्म ना। ए और सी कहाँ पे, ए और सी, सी पे लगा दीजिए, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, दिस इज 47th क्वेश्चन। वो क्या कह रहे हैं, करेक्ट पूछा है आपसे रिगार्डिंग द पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो उसमें क्या नॉट मोर देन 10 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, 7 नहीं 15 होते लोकसभा के और 7 राज्यसभा के, ऐसे होते हैं। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई है जी, ए जहाँ जहाँ पे वो उसको हटा दीजिए, आपके पास ये करेक्ट है, बाकी पढ़ने आप पढ़ लीजिए। एज पर कन्वेंशन मेंबर ऑफ अपोजिशन एक्ट से चेयरमैन यस, एग्जामिन द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शोइंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट कॉर्पोरेशन यस, एंड जो कमेटी है उसका एक साल से नहीं है टाइम यस, तो वैसे भी आपके पास ऑप्शन नहीं है अगर आपको पता है। अब ये क्या, देखो ये ऐसा क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा सा बेसिक भी पता है इसको कर दोगे, कैसे इलिमिनेशन से हुआ, पूरा क्वेश्चन पढ़ के नहीं हुआ, इलिमिनेशन से आंसर से हो रहा है ये। आगे आ जाइए, कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट, पूछा कौन सा करेक्ट है। एडहॉक जजेस इज टू बी अपॉइंट इफ द कोरम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज इनसफिशिएंट, बिल्कुल ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट बिफोर अपॉइंटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट, यस ये भी ठीक है। फॉर अपॉइंटमेंट एडहॉक जजेस प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेजिडेंट इज मैंडेटरी, तो गलत है। अब सी गलत, वो देख ले सी कहाँ कहाँ गलत है, सी गलत है, सी गलत है, तो ये तो नहीं होगा, बचाइए। अब एडहॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट वाइल अटेंडिंग द सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंजॉय, यस ऑब्वियस है वो सारा कुछ इंजॉय करेंगे, तो डी उसमें आ जाएगा, ए बी डी, डी इसका आंसर सही होना चाहिए जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, दिस वॉज इजी क्वेश्चन और ये मुझे लगता है सभी को पता होगा, राइट। क्वेश्चन क्या है जी, अरिका मेडू ये सभी को पता रोमन फैक्ट्री थी, और तोला कपियम ये सभी को पता होता तमिल ग्रामर, एनसीईआरटी की किताब में लिखा हो तोला कपियम, तोला कपियार जो लिखे तमिल ग्रामर है ना, शिल्पाधिक्रम सत्यनारायण ने लिखे, अब सभी को पता होगा, तो ये वाला इजी मैं कहूँगा, इसको कुछ नहीं है। ए का 3 है और बी का 4 है, ए का 3 बी का 4 वो ए में ही है, तो इसको लगा दीजिए और कुछ ज़रूरत नहीं है। 50th पे आ जाइए, विच इज़ द फॉलोइंग, अब ये दिस इज़ वियर्ड क्वेश्चन, नहीं पता होगा मेजॉरिटी को। 64 यूपी का होता है तो ये गलत है जी मेरे हिसाब से तो, और अगर देखा जाए तो कौन सा क्वेश्चन है, दिस इज़ 50 ओके है ना, और तोतापुरी मध्य प्रदेश का नहीं है, केसर गुजरात का है अल्फोंसो, तो 3 और 4 इसका होना चाहिए, डी इसका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दो स्टेटमेंट है, राजेंद्र चूल इंट्रोड्यूस द मलिगाई कोल स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट, दिस इज समथिंग डाउटफुल। अब इसको करेक्ट और इनकरेक्ट, क्योंकि मनी लाई दिस इज जो ये है मलिगाई कोल, यस इट वॉज ए मेजरिंग यूनिट, पीछे मिली भी है द हिंदी में न्यूज़ में था ये, अब ये है कि नहीं है तो ये डाउटफुल है। और राजेंद्र चोला सन जो अरुमोली वर्मी ने बिल्ड द फेमस बृजेश्वर टेम्पल, नो उसने नहीं बनाया है, राजेंद्र वन ने बनाया है, राजराजा वन ने बनाया था वो, तो सेकेंड इज रॉन्ग, तो इसको अगर ये मिली है तो कहा जा सकता है इसमें, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर येस और नो दोनों हो सकते हैं, येस अगर कहें तो येस वन इज करेक्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट, तो बी पे लगा दीजिए, पर ये यूपी जो एचपीएससी की आएगी उससे ज़्यादा क्लैरिफाई हो पाएगा, क्योंकि ये चोलास के टाइम में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जी, करेक्ट हायरार्की फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोवेस्ट, अब हाईएस्ट क्या है, अब नाम इन्होंने लिखा है फौजदार सूबेदार अमीन मुकद्दम, अब आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये आसान क्वेश्चन था, सूबा का सूबेदार मींस स्टेट का गवर्नर, तो सूबेदार जहाँ पे सबसे ऊपर है वो पहले होगा, तो ये तो दोनों निकल गए, बी और डी, मुकद्दम जो था वो गांव के खुद और मुकद्दम्स,
मिडिवल इंडिया में था, पर ये हम बात कर रहे हैं मुगल की। वैसे तो मुकद्दम सबसे नीचे, सूबेदार सबसे ऊपर, तो डी इसका सही आंसर होना चाहिए। आसान क्वेश्चन है ये वाला, ये थोड़ा सा टिपिकल है, ये आसान है पर कन्फ्यूजन जनरली हो जाती है कि टीपू शाह कहाँ था, पागलपंती का था वैसे तो, है ना, तो ऐसे पता होना चाहिए। सिंह बनारस का था तो ऐसे पता होना चाहिए। ए का 4 और सी का 1, ए 4 सी 1, तो सी पे लगा दीजिए, सी इसका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। मंजूषा आर्ट इज एन आर्ट ऑफ अंग देश प्रेजेंट डे भागलपुर, बिल्कुल ठीक है। जो मेन कलर है पिंक ग्रीन येलो होता है, यही होते हैं, बिल्कुल ठीक है ये, तो बी लगा दीजिए। ए और बी दोनों हैं तो बोथ ए एंड बी पे लगा दीजिए, करेक्ट ही पूछा है उसने। नेक्स्ट पे आ जाइए, ये तो छोड़ने वाला क्वेश्चन है पर हमने ढूंढा तो पता लग जाता क्या है, थोड़ा सा आइडिया ले लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ किला कोट कोहबार थिया बाड़ा बाड़िया एंड मोराकोटी, ये क्या है, पेंटिंग्स हैं बेसिकली, कौन सी किन से लिंक है। तो इसका जो आंसर है, जो दिस किला कोट इज सांझी है और जो खोबर है दिस इज मधुबनी है, जो कोबार है मधुबनी है और दिस थियाबाड़ी ये पटचित्र पे बनती, तो बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 56 क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन तो ऐसा था कि बहुत आसान था, करा जाए तो बिल्कुल आसानी से हो सकता है। अब जैसे द्रोणाचार्य, आपको नहीं पता चीज़ें, द्रोणाचार्य अवार्ड आपको पता होगा किस चीज़ के लिए मिलता है, दिस इज एमिनेंट कोच हु हैव सक्सेसफुली ट्रेन्ड स्पोर्ट्स पर्सन, तो बी 3 ये आपको पता है, बाकी मान लीजिए, पर ये तो दिस इज, ये न्यूज़ में अक्सर रहता है, ये यूनिवर्सिटीज़ को दी जाती है, गिवन टू रॉयल ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी, तो ये इसका 1 होता है। सिर्फ आप ले लीजिए कि आपको बी पता है कि द्रोणाचार्य अवार्ड 3, तो बी का 3 कहाँ पे है, बी का 3 सिर्फ एक ही जगह पे, ए पे है, तो सिंपल था। अगर ये भी नहीं, अगर आपको द्रोणाचार्य ने ये पता है तो भी ई, इसको मैं कहूँगा आसान था ये, इसको डिफिकल्ट नहीं बनाएंगे आप लोग। चलिए यहाँ पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, हरियाणा वॉज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू अचीव 100% इलेक्ट्रल रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ये बिल्कुल ठीक है। हरियाणा इज द सोल होल्डर ऑफ द कंट्रीज रॉक साल्ट रिसोर्सेज, नहीं हिमाचल में मिलता है जी, मेरा पानी मेरी विरासत, वैसे देख लेते हैं इनसे होता कि नहीं होता। 1 इज करेक्ट, 2 इज रॉन्ग, तो 2 जहां जहां वो रॉन्ग है बस, तो बचता कि आपके पास ये, और एक ही ऑप्शन है जो गलत है, अगर आंसर देखें तो ऐसे लगा सकते हैं सी पे, बाकी छोड़ दीजिए आप। नेक्स्ट आ जाइए, RBI रेज द रेपो रेट बाय 40 बेसिस, चलो होगा। अब स्टेटमेंट है रेपो रेट आर इंक्रीज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, बिल्कुल ठीक है जी, इन्फ्लेशन करने के लिए होता है। विद इंक्रीज इन द रेपो रेट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी इंक्रीज, नहीं महंगा हो जाता है तो बोरो नहीं किया जाता है। फर्स्ट इज एक पहली सही है, दूसरी गलत है, तो जहां जहां 2 है उसको हटा दीजिए। अब इनमें से देख लीजिए, तो पहली करेक्ट है, तो 1 और 4 बच जाता है, आपके पास कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। देखा, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, है ना, तो आंसर से क्वेश्चन हो रहे हैं। नेक्स्ट आ जाइए, 59th क्वेश्चन जो है, 59th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कहता है जो रेवेन्यू डेफिसिट हैज बीन ब्रॉट विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द 15th फाइनेंस कमीशन अंडर, यस न्यूज में था या ट्रिब्यून में, यस ऐसा हुआ है, और कितना प्रोजेक्ट किया, 2.98 किया, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और ये क्या कह रहा है कि कोई दो ही सही होंगे, सारी तो नहीं होंगे, करेक्ट पूछा है, ए पे लगा दीजिए क्योंकि 25% तो नहीं है, अलग है ये, और ये दोनों गलत हो जाते हैं फिर। नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY प्रोवाइड्स एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर टू द कॉमन मैन इन द कंट्री, अब क्या पूछा, करेक्ट कौन सी है, इट प्रोवाइड्स कवर ऑफ 3 लाख 5 लाख है जी, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई है, तो पहली जहाँ गलत है तो ये भी आपका गलत है और ये भी आपका गलत है, बच गया ये, तो यहाँ पे आपके 3 तो बिल्कुल ठीक है, 2 और 4 में आपका है डाउट। 4 क्या है, बेनिफिट ऑफ द स्कीम आर नॉट पोर्टेबल अक्रॉस द कंट्री, नहीं जी पोर्टेबल है तो 4 नहीं होगा, तो बस क्या क्या 2 और 3 बी पे लगा दीजिए, बात खत्म हो, ऐसे करना पड़ेगा ये। नेक्स्ट आ जाइए, अब ये टिपिकल है, यस थोड़ा सा मुश्किल है ये, बट एक दो नाम ऐसे मुझे आपने सुने होंगे, जैसे फाड़ सुना होता है, राजस्थान का है। अब सी का जो 4 है वो देखिए, सी का 4 कहाँ कहाँ पे है, सी का 4 कहीं है ही नहीं, तो लगा दीजिए, और वैसे भी माता नहीं पचड़ी है, गुजराती लैंग्वेज है तो गुजरात में होना चाहिए, ए जो है वो गुजरात में, चल वही है, बिल्कुल ठीक है, तो आइडिया लगा के आपने कर दिया, बाकी आपको आता है नहीं आता है।
ठीक है, वैसे देख लीजिए बी सांझी उत्तर प्रदेश की होती है सांझी जी। अब ये जैसे ये ट्रिकी था, जिसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है उसको ये पता होगा, अदरवाइज नहीं पता होगा, वो भी शायद कन्फ्यूज हो जाए। जैसे अभी कहते नहीं पता, छींट सबको पता है, छींट का कपड़ा होता है, हरियाणा में लोगों को पता होगा, यूपी में लोगों को पता होता है, छींट कॉटन का होता है। तो डी का जो टू है वो दो जगह पे आ रहा है। अब इसमें से देख लीजिए, वैसे बता देता हूँ, अब यहाँ पे सी तो वन है, तो सी वन आ गया, बचा क्या, ये दो बच गए। शबनम जो था मुस्लिन था, मखमल का कपड़ा होता था, आज भी यह ढाका का फेमस था ये, तो दिस इज मुस्लिन, ए का थ्री, तो इसका जो आंसर है वो ए आ जाता है। ये मैं कहूँगा इसको डिफिकल्ट लेवल कह सकते हैं, ईजी नहीं है ये, मुझे पता इसलिए पता है, अदरवाइज सभी को नहीं पता होता ये। चलिए राइज ऑफ, अब ये पूछा है, ठीक है, करना क्या है, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजी में लगाना है जी। राइज ऑफ प्रतिहारस, गुर्जर प्रतिहारस की बात करें, मीर बोर्ड ये कब थे, ये अर्ली मिडिवल की बात होती है, ये वाला पीरियड है, ये 700 से 1200 इसके बीच का पीरियड होगा ये, ठीक है। पल्लवाज, पल्लवाज एंशियंट इंडिया में, साउथ में, तो यानी कि इससे पहले आ जाएंगे, तो पहले टू होगा, उसके बाद ये कहीं वन होगा। अब ये कौन है, पाला डायनेस्टी बाय गोपाल, तो ये दोनों एक साथ हैं ऑलमोस्ट, सॉरी वन और थ्री, तो वन और थ्री एक साथ हैं और टू पहले है सबसे, तो ऐसे करेंगे, तो टू पहले है, वन और थ्री एक साथ हैं। अब देखते हैं बचता क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चोला, चोला जो थे वो कह लीजिए मिडिवल में आ जाते हैं या अर्ली मिडिवल, पर वो आते हैं साउथ में कब, 10th सेंचुरी, तो वो इसके बाद आते हैं पेरेंट का वन, तो लास्ट आएगा फोर, टू से स्टार्ट होके फोर पे ख़त्म, टू से स्टार्ट होके फोर पे ख़त्म, तो सी होना चाहिए इसका मोस्ट प्रोबेबली आंसर, तो ऐसा बना सकते हैं, राइट। तो हम लॉजिक लगा लगा के कर रहे हैं, पर ये उसको पता होगा जिसको नॉलेज है अच्छी, क्योंकि अर्ली मिडिवल हम जनरली छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें, पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट जो है क्या करना है, उसको सीक्वेंस में लगाने हैं इनको। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, डांडी मार्च कब हुआ था, रॉलेट एक्ट कब बना था, ये कन्फ्यूजन हो सकती है, इतना याद रखिए, रॉलेट एक्ट 1918 का होगा करीब, है ना, और ये 1931 के करीब की है। तो सबसे पहले ये डांडी मार्च कब हुआ था, डांडी मार्च जब सिविल डिसबिडेंस मूवमेंट लॉन्च किया गया था, तो 1930 का होना चाहिए। अब ये बच गया, वैसे 1929 की है, ये नहीं भी पता, वैसे देख लीजिए यहाँ से शुरू और यहाँ पर थ्री से शुरू वन पे ख़त्म होना चाहिए, थ्री से शुरू वन पे ख़त्म होना चाहिए, तो ये बी इसका सही आंसर होना चाहिए, अगर ये आपको डाउट भी है तो भी। ये क्वेश्चन आसान में कहूँगा होने वाला क्वेश्चन था, इसमें आप नहीं कहेंगे बहुत मुश्किल है ये तो कैसे होगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है इसका, तो फैक्ट है और ये सभी को पता हो, जनरली तो इतना हम पढ़ ही लेते हैं। जो टर्म बलि थी ये लोग कहते सेक्रीफाइस, अरे नहीं यार ये टैक्स हुआ करता था, तो कौन सा टैक्स था, वॉलेंट्री टैक्स था, मर्जी है देना दो, पैसे नहीं देते, ऑफरिंग्स दी जाती थी उसको बलि बोलते थे। अष्टपद, ये कन्फ्यूजन हो सकती है, आठ पद, मैरिज लोग कह रहे हैं मैरिज, अरे वो सप्त पद होते हैं ना, अब ये कुछ कह रहे हैं एट हॉर्सेस, ये है चेस में आठ होते हैं, आठ स्टेप इधर या आठ स्टेप इधर चल सकते हैं, अष्टपद गेम ऑफ चेस है जी, ये मुश्किल है, ये नहीं पता होगा लोगों को, शायद किसी किसी को पता हो, है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ईस्ट के बारे में, ईस्ट क्या फंजाई होती है, ओके ठीक है, उसमें अब यहाँ पे क्या है, ईस्ट कैन फॉर्म सीडोमाइसीलियम, ऑल राइट, उसके अलावा क्या है, ईस्ट प्रोड्यूसेस असेक्सुअल बाय बडिंग, ईस्ट आर फैकल्टेटिव एनारोबिक, ऑल ईस्ट आर डाइमॉर्फिक एंड ऑल ईस्ट आर पैथोजेनिक। अब क्या कहेंगे यहाँ पे, ऐसा है जो ईस्ट हैं वो पैथोजेनिक तो नहीं होती हैं, सारे खाने में यूज होती हैं, तो सिक्स तो नहीं होगा, तो सिक्स तो निकाल दीजिए, बच गया ये वन टू थ्री फोर और टू थ्री फोर फाइव, वन तो करेक्ट है क्योंकि फंगी होती है जी, बिल्कुल फंगस लग जाता है उसको खाते हैं, वो फंगस जिसको खाते हैं, तो बेस्ट आंसर क्या है, वन टू थ्री फोर आपके पास है, फाइव तो फिर इसका मतलब गलत होना चाहिए, इस हिसाब से कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं जो करनाल में, बिल्कुल यही कहा गया इन्होंने कि ये कब स्टार्ट हुआ, एज ए इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री 23 बेंगलोर में, यस वहीं पे हुआ था, बाद में इसका नाम इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट रखा गया और इसको 55 में शिफ्ट किया गया था करनाल में जो है, तो ये सारे ठीक होने चाहिए क्योंकि आज की डेट में तो करनाल में है। हाँ पर ये आसान में नहीं क्योंकि जनरली लोगों को नहीं पता होता ये। ऑलराइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अब ये तो बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है, ये
मजोरिटी को नहीं आता होगा, इतने रट्टे कोई नहीं लगाता है, शायद किसी को आता हो। चलिए अब यहाँ पे क्या देख लेते हैं, उसने पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ये कौन सी मैच करती है कौन सी मैच नहीं करती है जी, है ना। भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झज्जर में है, नाहर जो है रेवाड़ी में है, एंड दिस इज़ छिल छिलिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुरुक्षेत्र में है, बीड जो है दिस इज़ नॉट इन महेंद्रगढ़। तो 1, 2, 3 ए इसका आंसर हो जाएगा जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। फ्रेम जो है यस व्हीकल्स के लिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली व्हीकल्स के लिए स्कीम है इंडिया की, ये बिल्कुल ठीक है। विकास पहल स्कीम विलेज के नॉर्थ ईस्ट में करना है। निष्ठा जो है हॉलिस्टिक प्रोग्रेस है स्कूल हेड की, बिल्कुल ठीक है। और सौभाग्य स्कीम इलेक्ट्रिसिटी की है, पर यहाँ पे कन्फ्यूजन कुछ कहते हैं राइट्स को लेके, तो जो इसका मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर होना चाहिए कि बी और डी, तो इस पर डी पे लगाया जा सकता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है किसको देना, पुअर को, सभी को देना ही देना, तो एक तरह से राइट कह सकते हैं इसको कुछ टाइम के लिए अगर हम देखा जाए तो, ये हो सकता है इसका आंसर, टेंटेटिव इसको ही कहेंगे हम आंसर। चलिए इंडिया का पोस्ट पेमेंट बैंक की बात कर रहे हैं, तो कब हुआ था, 2016 में नहीं, 16 का तो नहीं होगा ये, आगे पीछे हो सकता है, 18-19 का होगा इसका, नहीं है। तो फर्स्ट रॉन्ग है जी, फर्स्ट रॉन्ग है, तो इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो बस इस पे लगा दीजिए ना बी पे, बाकी सारा ठीक ही ठीक है, इतना अगर आपको पता है तो। बहुत आसान किया हुआ पेपर तो उन्होंने ऐसे करके, है ना, पर इतना आसान है नहीं, बाद में तो बड़ा आसान लगती हैं चीज़ें पर एक्चुअल में नहीं होती हैं। चलिए CBFC स्टैचूटरी बॉडी है, बिल्कुल स्टैचूटरी बॉडी है जी, और तो कैसी बनेगी ये बॉडी, है ना। तो क्या कह रहा है ये, इनकरेक्ट पूछा है, यस, तो बिल्कुल ये तो ठीक है स्टेटमेंट। फिल्म राजा हरिश्चंद्र हुई थी, सिनेमाटोग्राफी एक्ट जो था उसके बाद, नहीं ये गलत है। CFC लॉन्च द ऑनलाइन पोर्टल ई सिनेमा प्रमाण 2015 में टू मॉडर्नाइज एंड डिजिटाइज फिल्म सर्टिफिकेशन प्रोसेस, नो दिस इज रॉन्ग, 2015 का नहीं होगा, 17 का है ये भी जी, ठीक है। और एडवाइजरी पैनल विच असिस्ट द रीजनल ऑफिस CFC इन एग्जाम द फिल्म कंप्राइज मेंबर ऑफ दिस, ये ठीक है। तो ये दोनों गलत है, 2 और 3 इसका बी आंसर होना चाहिए जी, राइट। आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, राइट। सो ये क्या है, एक ऑटोनोमस ट्रस्ट है, और करना क्या हमें, स्टेटमेंट देखते हैं कौन सी है, इसने कुछ पूछा है, ट्रू यस, कौन सी करेक्ट है, तो फर्स्ट तो करेक्ट है, इट हैज स्टार्टेड द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, अच्छा ठीक है, देख लेते हैं किया कि नहीं किया है, पर नहीं मुझे नहीं लगता इसने किया होगा, है ना, ये नहीं है इसका। एज अ पार्ट ऑफ इट्स मैंडेट इट हैज टू प्रिपेयर द नेशनल रजिस्टर ऑन बिल्ट हेरिटेज, ये भी ठीक है, और नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट ये भी ठीक है, तो 2 छोड़ दीजिए, तो 1, 3, 4, 3 इसका सही आंसर हो जाता है। ओके आगे कह रहे हैं लिटरेट सॉइल के बारे में बात कर रहा है, कह रहा है कौन सा करेक्ट है लिटरेट के बारे में, लिटरेट तो ये आसान क्वेश्चन है सभी को आता होगा, कहाँ पे, और ये हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल लो रेनफॉल लिखा है गलत है, तो क्या पूछा इसने करेक्ट, तो जहाँ पे 1 है वो निकाल दीजिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बचाइए 3, 4 तो है, बाकी बच गया 2, तो 2 डिसाइड करेगा। दीज सॉइल्स आर रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, इतना पानी आता है वहाँ पे, इतनी बारिश होती है, तो ऑर्गेनिक मैटर बचते नहीं, तो गलत है, तो बच गया क्या, बी बच गया, बस पे लगा दीजिए ना बात खत्म, ये सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी तो ठीक है। वैसे ये भी है लेटराइट का मतलब होता है ब्रिक होता है, इसलिए इसको लेटराइट सोल बोलते हैं। चलिए ये आ जाइए, अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है, अभी आपको मीना माता पता होगा मरकरी है, और स्टॉकहोम पता होगा POP, बस ये देख लीजिए, बाकी करने की जरूरत नहीं है। C4 है और जो D है वो 1 है, C4D1, तो B पे लगा दीजिए, ये इसका सही आंसर है, सिंपल है ना, सारा नहीं आता आपको बट फिर भी हम लगा पा रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज और कौन सी स्टेट में, द्रविडियन ऑस्ट्रो एशियाटिक तिब्बतन, अब ये तो बहुत आसान होना चाहिए, क्योंकि जब बात करें द्रविडियन, द्रविड कहाँ की होगी, आंध्रा उन्द्रा होना चाहिए, तो बी का 1 होना चाहिए, बी का 1 कहाँ पे, बस एक ही जगह पे, तो इस पर लगा दीजिए, और अगर मैच करके देख लीजिए A3 आए, बिल्कुल ठीक है, इंडो यूरोपियन उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र इनकी है, बिल्कुल ठीक है। चलिए छोड़ दीजिए बाकी, आगे आ जाइए, क्रॉप और लीडिंग प्रोड्यूसर, राइस का सबको पता है वेस्ट बंगाल है, तो C4 देखिए कहाँ पे है, C4 सिर्फ एक ही इसमें है, बाकी जरूरत नहीं है, तो A2 वैसे देख लेते हैं, ज्वार महाराष्ट्र बिल्कुल ठीक है, बाजरा जो होता है राजस्थान में होता है बिल्कुल ठीक है, और ग्राम मध्य प्रदेश में, ये सारा ठीक है, हो गया हमारा, कितना आसान दिया देखो उन्होंने, मुश्किल लग रहा है पर एक्चुअली मुश्किल नहीं है, मैच द फॉलोइंग तो वैसे ही आसान होता है। आगे आ जाइए, सेंसिस की बात पूछी उसने, क्या कहा, हाईएस्ट लोवेस्ट पॉपुलेशन की बात करते हैं,
मोस्ट इजी क्वेश्चन सभी को आता होगा। यस है, और सभी को पता क्या है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल और बिहार है, तो डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी आसान होना चाहिए क्योंकि मैच द फॉलोइंग ये बहुत आसान होते हैं। कौन सी स्टेट में है, इससे कुछ नहीं पता आपको, नाम दफा पता है, नाम दफा कहाँ पे, अरुणाचल में है। सी का फोर देख लीजिए कहाँ पे है, सी का फोर यहाँ पे लगा दीजिए और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सो सिंपल ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस इज़ अ प्रोसेस दैट हेल्प्स ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड, अ कैस्केड ऑफ इवेंट्स एंड केमिकल रिएक्शन। अभी ये क्या कह रहा है, चूज एन इवेंट दैट डज नॉट टेक्स प्लेस, ऑक्साइडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड ये नहीं होता है वहाँ पे जी, होता क्या, वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, कपल है और उसका जो ब्लड ग्रुप क्या होगा, मैन हैज़ ब्लड ग्रुप ए, वीमेन का बी है, तो उसका जो बच्चा होगा उसका क्या होना चाहिए, ए होगा, बिल्कुल होगा, ए भी होगा, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, और यहाँ पे ओ भी हो सकता है, तो सेकंड जो है वो है, तो ओनली दिस, ऐसे हो सकता है, राइट। तो ये है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इट्स सेइंग करेक्ट की पूछा है इसने, नाइट्रिफिकेशन इज अ प्रोसेस जहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जाता है, ये क्या कह रहा है, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट, तो ये गलत है, तो ये गलत है, तो डीनाइट्रिफिकेशन जिसमें नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, ये उल्टा हो जाएगा, दोनों गलत हैं। और फर्स्ट और दो जहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड रॉन्ग है वो हटा दीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड रॉन्ग कहाँ पे है, यहाँ पे दोनों, तो बच गया आपके पास 3, 4, 5 बच गया, सी, दैट्स इट, आगे चलते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही बचता है ना, अगर आप कहें वो स्टेटमेंट सही है गलत है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या कह रहा है, लाइकेंस के बारे में पूछा है, कौन सी करेक्ट है, दीज आर अल्गई, दीज आर फंगी, दीज आर ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ तो होते हैं पर अब इनमें से तो दोनों चीज़ें होती हैं, पर यहाँ पे कहा सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म है, ये बिल्कुल ठीक है, तो सेकंड और फोर्थ तो ठीक है, दीज आर सेप्टोट्रॉफ्स, नहीं पैथोजन नहीं होते हैं, तो होना क्या चाहिए यहाँ पे, टू और फोर इज करेक्ट, तो बी इसका सही होना चाहिए, ये तीनों गलत हैं जी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, प्रोसेसेस दिए हैं, तो पूछा है इसने कौन सा करेक्ट प्रोसेस है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ कैंडल, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर एंड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कौन से हैं जी, ए बी सी जो हैं वो फिजिकल चेंज है, कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, सो बी इसका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे, 85th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, राइट। अभी क्या कह रहा है, प्लास्ट ऑफ पेरिस ऑब्टेन फ्रॉम हीटिंग जिप्सम, बिल्कुल ठीक है जी, सोडियम कार्बोनेट बेकिंग पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, कार्बोनेट नहीं होता है, बचपन में मैं यही पढ़ा करता था कि बाई मुझे बड़ा बीच में गलत लगता था, सोडियम कार्बोनेट होना चाहिए था ना, पर वो बाई होता है। ब्लीचिंग इज इन पाउडर कैन बी एक्ट एज ऑक्सीडाइज एजेंट, यस, तो ये भी ठीक है, और ऐसे देख लेते हैं अभी, ए और सी ठीक है, बी गलत है, तो जहाँ बी गलत है वो निकाल दीजिए। अब बच गया ई, ई देख लीजिए, ई से पता लग जाए, पर ए सी तो हम ठीक कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये होना चाहिए, ए और सी बिल्कुल ठीक है, तो खाली ई तो गलत सही होगा नहीं, तो बी इसका आंसर आ जाएगा। 86 क्वेश्चन पे आ जाइए, 86 क्या कह रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है रिगार्डिंग क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ सोप मॉलिक्यूल इंटरेक्ट विद द ऑयल ड्रॉपलेट्स, बिल्कुल ठीक है, तभी वो हो जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ माइसल्स इन अ सोप सॉल्यूशन ड्यूरिंग क्लीनिंग ऑफ क्लोथ इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन, नहीं उसे नहीं कहते हैं, द हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ द सोप मॉलिक्यूल इज इन द इनर साइड ड्यूरिंग द माइसल फॉर्मेशन, नहीं, एंड माइसल सराउंडेड द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम या और मैग्नीशियम आयन इन हार्ड वाटर इंस्टेड ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, राइट, तो ये सही है, तो बी इसका सही आंसर है जी। आगे देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहा है उसने, कौन सी स्टेटमेंट सही है, चार स्टेटमेंट दी गई हैं, वेन एन अल्ट्रासाउंड ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम इट्स वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड चेंज, ऐसा सबको चेंज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, तो ये गलत है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड रिमेन अनचेंज, बिल्कुल ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव चेंज, हमने कहा नहीं होगी तो नहीं होगी, इकोकार्डियोग्राफी में ये यूज़ होता है अल्ट्रासाउंड, बिल्कुल होता है, तो सेकेंड और फोर्थ जो है, सेकेंड और फोर्थ वो करेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए आगे देखते हैं,
अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए, दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं, तो उसका मतलब क्या, उसको मायोपिया है। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, नहीं, मायोपिया है, तो स्टेटमेंट गलत है। द डिफेक्ट मे हैव बीन कॉज्ड ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस और इलोंगेशन ऑफ द बॉल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो ठीक हो सकता है, बिल्कुल ठीक हो सकता है। द डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाई यूजिंग अ कॉन्केव लेंस, बिल्कुल ठीक है। द डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाई यूजिंग कन्वेक्स, नहीं, तो फर्स्ट और फोर्थ तो गलत है, तो बचा क्या आपके पास, फर्स्ट ऑफ ऑल गलत निकल गया, तो सेकंड और थर्ड बचा, तो डी स्टेटमेंट आपकी सही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 89th क्वेश्चन है हमारे पास, टिपिकल से क्वेश्चन मुझे लगता ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन रिक्वायर्स रेटिफिकेशन फ्रॉम नॉट लेस देन वन हाफ ऑफ द स्टेट्स फॉर एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्टेटमेंट है, और ये मीन्स स्पेशल अमेंडमेंट की बात हो रही है, तो कब होता है, एनी ऑफ द लिस्ट इन द सेवन शेड्यूल, यस, बिल्कुल ठीक है, क्यों, वो क्या है, फेडरल प्रोविजंस हैं, प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग है ये आर्टिकल, तो इसका मतलब वहाँ पे भी होगा, तो ए और बी, और इसने कहा कि कोई दो हैं, अगर आपको बाकी नहीं पता, कोई दो, तो ए और बी तो है ना, तो बस ठीक है, ए और बी पे लगा दीजिए, बाकी चैप्टर सेवन नहीं मुझे पता, चैप्टर सेवन कौन से चैप्टर सेवन की बात करें, पार्ट वन ऑफ चैप्टर वन ऑफ पार्ट नाइन, पता नहीं कौन सा बात करें ये, तो आपको नहीं पता, बट अगर आंसर देखेंगे तो आप आइडिया लगा सकते हैं, तो उस तरह से आसान हो जाता है, अदरवाइज तो मुश्किल है, अगर आप सारा सिर्फ क्वेश्चन ही देखेंगे तो फिर मुश्किल आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स बार्स द कोर्ट फ्रॉम इंटरफेरिंग द डिस्प्यूट, किस चीज़ के लिए, जो प्रिंसिपल स्टेट के साथ जो उन्होंने ट्रीटी साइन की थी, उसके आर्टिकल 363 है, जिस पे लगा दीजिए, और कुछ नहीं है, क्योंकि ये इमरजेंसी का है, ये अमेंडमेंट का है, ठीक है, ये ट्राइबल्स का है, तो बच यही जाता है अगर नहीं भी पता है तो। इन विच पार्ट चैप्टर और एंड चैप्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू प्रॉपर्टी इंसर्टेड आफ्टर बीइंग रिमूव्ड, मुझे ये जनरली किसी को नहीं पता होगा, मुश्किल है, आइडिया लग सकता है कैसे, जिसको अच्छी नॉलेज है, क्योंकि जो पार्ट 14 है ना, पार्ट 14 ऑल इंडिया सर्विस, उनसे बात करते हैं, वो है 300 आर्टिकल 10 वगैरह, 9 10 11 12 वो वाले हैं वो सारे, तो उससे पहले होगा, थोड़ा सा पहले होगा, तो उससे पहले जो है यहाँ पे 11 12 दिए, तो मोस्ट प्रोबेबली 12 ही होना चाहिए, क्योंकि 13 यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, तो इसलिए बी इसका आंसर भी बी है। आई आर कोहेलो जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की, इसको शेड्यूल 9 जजमेंट भी कहते हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर की है और कुछ नहीं, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन से नहीं है, ये करंट अफेयर है, जिसने पढ़ा उसको पता है, फैक्ट है ये, ऐसे नहीं पता होगा कि आपने पॉलिटी में पढ़ा था, जी नहीं, करंट अफेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है ये। ऑलराइट, मेक द सेल ऑर्गेनेल लिस्टेड इन द कॉलम ए विद इन फंक्शन, तो जो सेल है उसके ऑर्गेनेल्स हैं और जो फंक्शन है, अब जो गोल्गी है वो क्या करता है, गोल्गी के बारे में कहा जाता है कि वो लाइजोसोम्स बनाता है जी, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टम है वो क्या करता है जी, लिपिड बनाता है, जो राइबोसोम्स है वो डाइजेशन में हेल्प करता है, तो ये 1BD तो ये सी में आ जाता है, इसका आंसर सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डिजीज कंप्राइजिंग जेनेटिक डिजीज, अब जेनेटिक कौन सी है, एड्स नहीं है, एड्स नहीं है और हेपेटाइटिस नहीं होता है, यहाँ पे क्या सिकल सेल बच गया, एनीमिया जो है, हेमोफीलिया एंड डाउन सिंड्रोम, ये होते हैं, डी इसका सही आंसर होना चाहिए, तो पहले दो तो एलिमिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। मैग्नीज इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर, बिल्कुल ठीक है, एंड ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग फेरोलॉयज, बिल्कुल ठीक है। मैग्नीज डिपॉजिट फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, मे बी हाउएवर इट इज एसोसिएटेड विद द धारवाड़, नहीं, प्री कैम्ब्रियन का है ये, तो ये गलत है, ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, तो ए इसका आंसर होना चाहिए जी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, करेक्ट पूछा इसने ईस्ट वेस्ट घाट के बारे में, अनाईमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न तो नहीं है जी अनाईमुड़ी, है ना, उसके बाद वेस्टर्न घाट्स आर कंपैरेटिवली लोअर, ईस्टर्न लोअर है वेस्टर्न नहीं, ये आसान क्वेश्चन में कहूंगा इसको, 1 and 2 तो रॉन्ग है, बच क्या गया, उसने बोला है ना 1 and 2 रॉन्ग है, तो 1 and 2 जहाँ जहाँ पे 1 2 है उसको हटा दीजिए, बाकी आपका वैसे भी ये ठीक है बिल्कुल, तो बी इसका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये न्यूज में था, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट ए डिजास्टर विच स्ट्रक उत्तराखंड,
लास्ट ईयर की बात है, आपने ये सभी को पता होगा, बहुत न्यूज़ में रहा था, अ पोर्शन ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर ब्रोक ऑफ एंड कॉस्ट हैवॉक, यस उसे फ्लड आ गए थे वहाँ पे, सडन फ्लड आ गए थे, कहाँ पे, धौली गंगा, ऋषि गंगा, लखनंदा, बिल्कुल ठीक है, तो दोनों ठीक हैं। तपोवन जो हाइड्रल प्रोजेक्ट थे, ये भी न्यूज़ में रहा था, तपोवन और ऋषि गंगा हाइड्रल प्रोजेक्ट डैमेज हो गए थे, तीनों ही यहाँ पे ठीक होनी चाहिए, है ना। तो इसका आंसर जो है डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल इसको कहेंगे नहीं, इसको मुश्किल नहीं कहा जाएगा, ये एनसीईआरटी में दिया और सभी को पता है अगर किसी ने इंडिया की ज्योग्राफी थोड़ी सी पढ़ी है। सिक्किम हिमालयाज आर फेमस फॉर करेवास फॉर्मेशन, कश्मीर हिमालयाज, ये गलत है। और करेवास क्या है, थिक डिपॉजिट ग्लेशियर क्ले की है, जो मॉरेन्स जिनको कहते हैं, और जाफरान की खेती के लिए, सैफरन की कल्टिवेशन के लिए दे पॉपुलर, तो ये ठीक है, ये गलत है। तो वन इज फॉल्स, टू जो है वो करेक्ट है, राइट, ट्रू है, तो बी इसका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, 99th क्वेश्चन, ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, पूछा है करेक्ट अबाउट द वेव्स, 99th क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, विंड कॉजेज वेव्स टू ट्रेवल इन द ओशन, वेव्स टाइड की बात नहीं है, वेव्स हैं तो विंड से ही चलते हैं, बिल्कुल ठीक है। द एक्चुअल मोशन ऑफ वाटर बिनीथ द वेव्स इज नॉट सर्कुलर, वो सर्कुलर ही होता है जी, अगर आपको ऐसे पता हो, यहाँ पे जो वाटर का मोशन है वो सर्कुलर है ना, तो ये गलत है। फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज रॉन्ग, पूछा क्या इसने, करेक्ट, सेकेंड रॉन्ग है, तो बच गया गया आपके पास, ये दो ऑप्शन बच गए, तो चार तो इसके हिसाब से ठीक है, बच गया सिर्फ तीन, तीन डिसाइड कर देगा। स्टीप वेव्स आर नॉट फेयरली यंग वंस एंड प्रोबेबली फॉर्म्ड बाय द लोकल विंड्स, ये तो गलत है जी, द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट आर कॉल्ड क्रेस्ट एंड ट्रफ, यस, तो ये ठीक है डी, क्योंकि ये बचपन में सभी ने सुना होता है, क्रेस्ट एंड ट्रफ जो है वेव, दिस इज कॉल्ड क्रेस्ट एंड दिस इज कॉल्ड ट्रफ, ये आपको पता ही होगा। लास्ट क्वेश्चन आया था, ये टिपिकल क्वेश्चन है, ज्योग्राफी पढ़ी है किसी ने तो उसको इसका पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मुश्किल है, मुश्किल है, बट यहाँ पे आइडिया लग सकता है, अगर आपने वो ढंग से मैप देखा ना कोपेन का, तो पता लग जाता है। टाइप ऑफ क्लाइमेट विद एरिया, कोपेन की क्लाइमेट है ये, तो यहाँ पे आप देखिए ए एम डब्ल्यू है, मानसून बोल रहे हैं, एम मानसून का है, मानसून इसमें कौन सा होगा, अरुणाचल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, तो वेस्ट कोस्ट पे सबसे ज़्यादा है, अरुणाचल से भी ज़्यादा बारिश है वहाँ पे, तो थ्री को बी के साथ जोड़ दिए, थ्री को बी के साथ कहाँ जुड़ रहा है, दो जगह जुड़ रहा है। फिर जो बी डब्ल्यू एच आई, अब दिस इज हॉट डेजर्ट क्लाइमेट है, एच हॉट के लिए, तो हॉट कहाँ पे, एक्सट्रीम वेस्टर्न राजस्थान, तो ये सी के साथ लगा दिए, वन इज सी, तो सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऐसे लग जाएगा, आसान नहीं है ये, राइट। चलिए, सो ये था जो हमने कोशिश की कि क्या टेंटेटिव आंसर होने चाहिए, सीरीज ए थी ये, तो आप मैच कर लीजिएगा, अगर आपको कहीं लगता है कि डाउट है, यू कैन शेयर विद अस। चलिए मिलेंगे फिर, तब तक एंजॉय कीजिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।